हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हे गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल का क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 के आंसर्स। हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी विल यू पेट। इनके राइटर का नाम है डब्लू अलिंगम। ये नाम पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला है सिल्कन, रेशम, क्विल्ट, रजाई, रेदर, बल्कि, फन पे, सूर्य की किरण, गे, मौज मस्ती, डॉन ऑफ डे, दिन निकलना, फेटिन, चमकदार कपड़ा, स्ट्रिंग, गूथना, डेंटायर, प्यार, फेदर, पंख, फिल, बेचना, बिनीत, नीचे, ट्विंग, पतली डाली। हमारा बी पोर्शन है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए, आई वुड डॉट 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 अवे डैश अभी। फर्स्ट में हु इज आई इन द अबव लाइंस, इसका आंसर है बर्ड इज आई इन द अबव लाइंस। सेकंड में ईवी इज अ प्लांट, What does the bird want to can convey by describing it as a well, furry, wall? Its answer is, the bird wants to carry it as a wall because it protects to her from rain and sunlight. Third mein hai, what does the speaker prefer ivy wall to? Its answer, the speaker prefers ivy wall to because it provides shelter to the bird. बी में अ फेदर डॉट 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 थाउजेंड पाउंड। फर्स्ट में है व्हाट इज द नेकलेस अफेयर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ, इसका आंसर है द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ डायमंड स्टोन। सेकंड में है व्हाट इज द नेकलेस दैट द बर्ड हैज मेड ऑफ, इसका आंसर है द नेकलेस ऑफ द बर्ड इज मेड अप ऑफ फेदर। थर्ड में है विच नेकलेस डज द बर्ड प्रीफर व्हाई, इसका आंसर है द बर्ड प्रीफर द फेदर नेकलेस बिकॉज इट इज प्रीशियस फॉर हर एंड शी वुड नॉट स्टील वरी सेल इट एट एनी कॉस्ट। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।